घर का श्रृंगार प्रेम सनातन। पिलाल कृष्ण एक अनसुलझी पहेली तब भी थे, अब भी हैं और शायद युगों युगों तक रहेंगे, क्योंकि कृष्ण के चरित्र को आज तक शायद न कोई जान पाया न कोई भज पाया। और तमाम उन्हीं अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ देश के प्रख्यात भागवताचार्य राघवेंद्र पाराशर जी महाराज जिसमें मेरे साथ हैं। मैं महाराज जी से बात करता हूं श्रीमद् भागवत और कृष्ण के कुछ अंश हुए पहलुओं पर। महाराज से सबसे पहले प्रणाम आपको और स्वागत है सनातन टीवी पर। जैसा कि मैंने कहा कि कृष्ण एक अबुझ पहेली है, आप तो कृष्ण में ही रसे और बसे हैं और आप भारत ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं के बाहर दुनिया में जा जाकर राम कृष्ण कथा सुनाते हैं, कितना समझ पाए कृष्ण को आप? भगवान हमारे कृष्ण यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। व्यक्ति यदि कृष्ण लीला को गौर से सुनेगा या समझेगा नहीं तो उनकी लीला में व्यामोहित हो जाएगा। रामचरित्र परम पवित्र, राम जी की लीला, राम जी का नाम, सीधा सीधा लीलाएं सीधी सीधी, लेकिन कृष्ण चरित्र महाविचित्र। भगवान कृष्ण की जो लीला है, किसी का चीर बढ़ा रहे हैं किसी का चीर घटा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं भागवत में श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी ने खूब गाई भी। देखिए आप कह रहे कृष्ण ने लीला की और हम कहते हैं कि कृष्ण ने लीला नहीं की, वो कृष्ण का शौर्य था। जब हम शौर्य को लीला का स्वरूप देंगे, क्या नहीं लगता कि कृष्ण को हम भावना कर देंगे? जन्म के बाद से ही कृष्ण ने वध करना शुरू कर दिया था जी, और लगातार कृष्ण 11 वर्ष 6 माह तक जब तक वृंदावन में रहे वो लगातार वध करते रहे। कंस के एक एक सैनिकों को उन्होंने मारा, फिर बाद में कंस का भी उन्होंने वध किया। जिस कृष्ण पर यह आरोप लगता कि वो माखन चोर है, और महाराज ये गाना कथाओं में बजता है माखन चोर माखन चोर, क्या अच्छा लगता है आपको? नहीं, ये तो खैर ठीक नहीं है, और थोड़ा सा स्वरूप विकृत तो भागवत का हुआ है, जैसे झांकियों के माध्यम से नाच गाने के माध्यम से। देखो भगवान कृष्ण ने जो कृष्णावतार धारण किया है, महाराज जी मैं दूसरी बात कह रहा था, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि 900,000 गाय उनके पिताजी के पास थी, और जिस व्यक्ति के पास 900,000 गाय होंगी क्या उसकी माँ उसको दूध और मक्खन नहीं देगी? कि व्रज क्षेत्र में होने वाला टोटल दूध और दही कंस के दरबार में सप्लाई होता था, और अगर कोई भी ले लेता तो उसके हाथ कंस कटवा लेता था। शायद दुनिया की में सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक भगवान कृष्ण ने दूध और मक्खन पर की थी और कंस की सप्लाई चेन को ब्रेक किया था। जी जी, सच ये नहीं है? बिल्कुल सही बात। उस शौर्य की कथा को जब हम लीला का रूप दे देते हैं तो कहने लगता है कृष्ण को हम भावना कर देते हैं। देखो भक्तों के भाव से तो ठाकुर जी की लीला हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसा आपने अभी कहा कि भगवान माखन चोर हैं चीर चोर हैं, तो ठाकुर जी ने सबसे पहले पूतना का विषपान किया। सर्वप्रथम भगवान चीर चुरा रहे हैं, रास रचा रहे हैं। कुछ लोग कटाक्ष करते हैं भगवान ने चीर क्यों चुराए या गोपियों के साथ में नृत्य क्यों किया, रास क्यों किया। सबसे पहले ठाकुर जी ने विषपान किया और ये बताया कि मैं विषपान भी करूंगा और गोपियों के साथ में रास रचाऊंगा। इसमें के राधा का जिक्र तो है नहीं? हाँ, श्री राधा रानी का नाम लिया। श्री राधा रानी का जिक्र न महाभारत में है, न गीता में है, न श्रीमद् भागवत में है। मोटा मोटा अगर इनके बारे में मिलता है तो ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है जी, उस पे राधा कृष्ण की कथाएं हैं जी, और वो पुस्तक 18वीं शताब्दी में लिखी गई जी। और जिस राधा के बचाव में आप लोग ये कहते हो कि वो उनकी अहलादिनी शक्ति थी, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वो जो
कई सखियों के साथ कृष्ण को पकड़ती हैं और उसके बाद कृष्ण को जलील करती हैं और गालियां देती हैं, कहती हैं धूर्त मक्कार को घर के बाहर निकाल दो, तो उनकी अहलादिनी शक्ति अपने स्वामी के लिए ऐसा नहीं बोल सकती। तो ये सब उलझा हुआ विषय है। जी जी, सनातन को थोड़ी सुलझाने की कोशिश करिए ना आप लोग। श्री राधा रानी का जो स्वरूप भागवत के माध्यम से बताया गया है, एक ज्योतिर भव द्विधा राधा माधव रूप, एक ही ज्योति के दो प्रकाश हैं, श्री कृष्ण श्री राधा। और जिस राधा की आप बात कर रहे हो वृषभानु की पुत्री जी, ये कृष्ण की मामी लगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण ईश्वर रूपी कृष्ण अपनी मामी से प्रेम करेगा। क्या नहीं लगता कि सनातन धर्म के तमाम ग्रंथों के साथ, एक तरफ जहां मुगलों ने, अंग्रेजों ने और फिर वामपंथियों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और तहस नहस किया हमारे धर्म ग्रंथों को, यानी तक कि मनुस्मृति में के साथ खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल, ये बात तो आप सत्य कह रहे हैं कि विधर्मियों ने खैर भारत पर जब जब आक्रमण किया तब तब हमारे धर्म पर कुठाराघात तो किया ही था, धर्म को विकृत करने की कोशिश। महाराज आप लोग कथा करते हैं, ठीक है, और कथाएं अन्यतांत आवश्यक हैं और कथा के माध्यम से ही हम ईश्वर के चरित्र को घर घर पहुंचा सकते हैं, लेकिन कथाओं के ऊपर जब पता लगा कि आप कथा कर रहे हैं, दो मिनट के लिए आप मौन हो गए और एक आदमी फटा पैजामा फटा कुर्ता मत्थे पे पट्टी बंधी, यहाँ से खून निकल रहा, वहाँ की मैं ईटा लेकर के और मंच पर प्रवेश करता हूँ, गाना गाते हैं, अरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो गरीब सुदामा, तो सुदामा पागल से रहता क्या? सुदामा गरीब था कहाँ, कहाँ का सुदामा गरीब था? सुदामा तो भूगोल के इससे बड़ा ज्ञाता दुनिया में नहीं हुआ जितना, और कृष्ण सुदामा कभी वृंदावन आए नहीं, और शायद उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल सुदामा का था, ज्योतिष और खगोल में सुदामा की कोई सानी नहीं थी, तो वो सुदामा गरीब कहाँ से हो गया, भीख कैसे मांगने लगा? जिस नहीं, भागवत में सुदामा जी का बहुत दिव्य स्वरूप बताया गया जी, और भगवान कृष्ण के गुरुकुल के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज, और श्री सुखदेव जी ने तो सुखदेव जी की बहुत विशेषण लगा करके परिचय भागवत में, बहुत विशेषण लगा, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। लोगों ने कहा कि सुदामा भीख मांगते थे, हाँ ये सच है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि गुरुकुल की परंपरा तब उस समय कोई सरकारी अनुदान नहीं था, तब गुरुकुल का जो प्रधान होता था वो पांच छात्रों को लेकर के गांव के पांच मकानों पर जाकर भिक्षा मांगता था और जो भिक्षा वहां से उसको गांव से मिलती थी उसे से गुरुकुल का संचालन होता था, ये गुरुकुल का नियम था। तो सुदामा भिखारी थोड़ी था, वो तो गुरुकुल के लिए वो कृत्य करता, तो जो सनातन धर्म में सारे गुरुकुल में होता था। सुदामा को क्यों आप लोगों ने इतना खोखला बना दिया? कथा के माध्यम से सुदामा जी का चरित्र तो बड़ा पावन है, बहुत, और विद्वान लोग खूब सुदामा जी की महिमा गाते हैं, विद्वान गाते हैं, सुखदेव जी ने स्वयं सुदामा जी की महिमा गाई, सुदामा जी जैसा विरक्त विद्वान महापुरुष दूसरा कोई हो सकता होता है, हुआ ही नहीं है। तो चुन चुन कर हमले वहीं पर किए गए जहां हमारी महानता थी, जहां पर हमारी विद्वता थी, और वह गलती अगर इन केस हमारे साथ कोई षड्यंत्र हुआ तो मेरे पास सुधारने का तो बहुत मौका था। ये इतने बड़े बड़े आश्रमों में लोग जो रह रहे हैं, गौशाला धर्मशाला यज्ञशाला ये शाला वो शाला, ये सब इन विषयों पर गौर क्यों नहीं किया गया? क्या आप जैसे युवा कथाकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि एक नई क्रांति का उद्घोष करेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी आ रही है वो विज्ञान को मानती है, और विज्ञान आज का जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, वो एक इंच भी वहां नहीं पहुंच पाया जहां करोड़ों वर्ष पहले हजारों हजार गुना ज्यादा हमारे पास ज्ञान और विज्ञान था। तो क्या नहीं लगता कि उन जिन कथाओं पर हम लोगों ने लीला और रास लीला रट दिया, उनको वैज्ञानिक ढंग से युवाओं को सुनाया जाए, समझाया जाए और बताया जाए कृष्ण क्या था? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज के समय में कृष्ण को जानने की बहुत आवश्यकता है, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा गीता का ज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ठाकुर जी का जो दिव्य स्वरूप बताया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध,
दसम स्कंद में भागवत में दो है, एक तो पूर्वार्ध दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में जो कथाएं आई हैं वो भगवान की बाल लीलाएं की कथा आई है, कंसवध की कथा आई है, लेकिन उत्तरार्ध में जो कथा आई है वो भगवान के योगेश्वरेश्वर कृष्ण के स्वरूप के बारे में, स्वरूप के बारे में बताया गया, दिव्य स्वरूप। पूर्वार्ध में वंशी की महिमा, उत्तरार्ध में सुदर्शन चक्र की महिमा। ऐसा नहीं कि भगवान केवल वंशी बजाने वाले ही हैं, गैया चराने वाले ही हैं, ऐसा नहीं है। जहां भगवान वंशी बजा रहे हैं तो वहां भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। धर्मनीत, राजनीत, अर्थनीत, कूटनीत, और इतना बड़ा कूटनीतज्ञ इस भूभाग पर नहीं हुआ, और मैनेजमेंट की इतनी बड़ी बुक दुनिया में आज तक न बनी न बन पाएगी जो श्रीमद गीता है, लेकिन वो लाल कपड़े में लपेट कर अच्छत रोली चंदन चढ़ा करके प्रणाम का विषय बना दी गई, गीता घर घर नहीं पहुंच पा रही, क्यों? खैर, वैसे आज के समय में जो युवा है वो धर्म के प्रति जागृत तो हो रहा है, हो रहा है। और आपने भी गौर किया होगा कि पहले के समय में और अब के समय में जितना धर्म का प्रचार प्रसार इस समय हो रहा है शायद ही कहीं नहीं हुआ। और इस समय गीता का ज्ञान चहुं दिशाओं में फैला रहा है। आज की युवा पीढ़ी निश्चित विज्ञान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गीता का ज्ञान ले रही है, भागवत का ज्ञान ले रही है। और भारत में नहीं बल्कि मैं कहूँगा विदेश की भूमि में, जहाँ मैं बाहर जाता हूँ यूरोप में, वहाँ पर हमारे जो अंग्रेजी अंग्रेज लोग हैं, गोरा लोग हैं, वो खूब महाराज गीता का ज्ञान ले रहे हैं। हाँ। हमारे सनातन धर्म के जो सनातन धर्म के जो भक्त लोग विदेश की भूमि पर रह रहे हैं, खूब महाराज गीता के ज्ञान का इसमें स्वाध्याय कर रहे हैं। संक्षेप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम अपने दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे आपसे कि आजकल लड्डू गोपाल का प्रचलन खूब हो गया है। जिस महिला को देखो टोकरी लेकर के लड्डू गोपाल को लेके घूम रही है, क्या लड्डू गोपाल को टोकरी में रख कर घुमाया जा सकता है? क्या लड्डू गोपाल को होटलों में टेबल पर बैठकर खाना खिलाया जा सकता है? या लड्डू गोपाल को भगवान माने या रिश्तेदार माने, क्या माने, उसके लिए थोड़ी सी दर्शकों को हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और क्या रिश्ता बनाए ये बता। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सनातन चैनल के माध्यम से एक ये विशेष बात सभी दर्शकों को, भक्तों को कहना चाहता हूँ कि जो भक्त ठाकुर जी को टोकरी में लेकर के भक्ति करते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, ये घोर अपराध। जो परमात्मा विष्णु का पालन करने वाले हैं, उन परमात्माओं को हम गली गली में लेकर के घूम रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इसलिए आपकी जो भक्ति है वो बिल्कुल ही आदरणीय है और होना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी को एक स्थान पर विराजमान करके घर में प्रेम के साथ में ठाकुर जी की तुलसी दल से अर्चना करो, ठाकुर जी का दूध दही से अभिषेक करो, घर में करो। बाहर यदि आप जाएं तो कृपा करके ठाकुर जी को ना ले जाएं, ठाकुर जी को घर में ही विराजमान करके जाएं और किसी व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को उनकी सेवा में तत्पर करके जाएं। अच्छा, ठाकुर जी को घर पे रखने के बाद जी जस्ट लाइक उनको ईश्वर की तरह उनकी पूजा की जाए या उनसे कोई एक रिश्ता बना करके उनको पकड़ा जाए? देखो, ठाकुर जी कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है। भक्त और भगवान के तो विभिन्न नाते हैं, और इन ये जो चर्चा है भक्तमाल ग्रंथ भरा पड़ा है इन सब चर्चाओं से। इसलिए ठाकुर जी से यदि हम कोई अपना नाता बना लेंगे तो सेवा करने में और आनंद आएगा। तो सीधे एक नाता बनाया जाए। देखिए, ये सीधा सीधा महाराष्ट्री आपको एक दे देगी, जिसको देखो ठाकुर जी को इस समय घर में विराजमान कर रहा है, पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन इसमें आडंबर से आप दूर रहिए। ठाकुर जी को टोक में रखकर शहर में मत घुमाइए, उनको चॉकलेट मत खिलाइए, कोल्ड ड्रिंक मत पिलाइए, उन्हें शुद्ध वो खाना है, तुलसी दल खाना है, दूध दही पीना है उनको, जो उनका भोजन है वही उनको भोजन कराइए, और उनसे कोई रिश्ता बना लो, चाहे पुत्र का, चाहे पति का, चाहे प्रेमी का, कोई रिश्ता बना लो। और कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों से ठाकुर जी इन्हीं के लिए, लड्डू गोपाल के लिए? ठाकुर जी की खूब आनंद। देखो, ठाकुर जी हमारे दूध दही मक्खन खाते थे, खुद खाते थे, ब्रजवासियों को खिलाते थे। हमारे ठाकुर जी कोई पिज्जा बर्गर चाउमीन आदि नहीं खाते थे,
आजकल जो बाल गोपाल जो खा रहे हैं पिज्जा चाउमीन बर्गर, ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक तो है ही, हाँ शौकिया रूप में कभी कभी आप सेवन करें, लेकिन ठाकुर जी की सेवा सब लोग करें, भक्ति समाई भाव में, भक्ति में भगवान बिहारी दास सांची कहे श्री भागवत प्रभा, भक्ति भाव में है। इसलिए मैं सभी से, युवा वर्ग से, सभी सनातन चैनल के सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि खूब ठाकुर जी की भक्ति करें और ठाकुर जी की ज्ञान गंगा में गोता लगाएं और उसी से आपका उद्धार होगा। ठाकुर जी कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम। कृष्ण जैसा देखा वैसा पाया, जैसा सोचा वैसा पाया, कृष्ण इस भूलोक में कुंभगढ़ में विद्यमान है। हम फिर मिलेंगे किसी नए महाराज की कुटिया में, किसी नई कथा के साथ, किसी नए प्रश्न, नए प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।